हाय गाइस, आज का टॉपिक है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं? तो नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। ये अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं। इनको हम नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं क्योंकि ये हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती हैं। इनको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आइए उसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो जो नोबल गैसेस होता है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाले 18th नंबर वाले ग्रुप में रखे गए हैं। तो ये इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 से लेके NP6 तक होता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा नोबल गैसेस होता है वो कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो हीलियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। दूसरा होता है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 3, 10 होता है। फिर तीसरा होता है आपका ज़ेनॉन, तीसरा आपका होता है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। चौथा होता है आपका क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। पांचवा होता है आपका ज़ेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। लास्ट में होता है आपका रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 88। ओके, अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2, मतलब इसके में ये फर्स्ट शेल का एलिमेंट होता है और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो ये फुल्ली फिल्ड है, ये ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट करता लेकिन ये डुप्लेट कंप्लीट करता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2p6, ठीक है। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2s2 2p6। अगर हम इसका देखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और उसके बाद है आपका 4p6। ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ज़ेनॉन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और फिर 5p6। ऐसे ही रेडॉन का भी होगा, लास्ट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 6s2 और 6p6 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लास्ट में इलेक्ट्रॉनों को देखें तो सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या ये किसी से रिएक्शन करेंगे, इनको जरूरत ही नहीं है किसी से रिएक्शन करने की। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ये सिंगल ही पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है आपका डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, दो ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। नाइट्रोजन आपका ट्राई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो नोबल गैसेस होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। रीजन बिहाइंड इसके क्या है, क्योंकि इनका ऑक्टेट फुल्ली फील्ड, इनका ऑक्टेट क्या है, फुल्ली कंप्लीट है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। इनको हम अनरिएक्टिव गैसेस भी बोलते हैं। तो आइए अब इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये मोनो एटॉमिक नेचर होता है इनका। क्यों नेचर होता है मोनो एटॉमिक, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैसेस हैं तो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। जब ये किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनका जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, इनका जो नेचर होगा वो होगा कलरलेस ऑर्डरलेस, ठीक है। और इनके अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करें हम, एटॉमिक रेडियाई इन द सेंस अगर हम इनके साइज की बात करें, इनके एटॉमिक रेडियाई या इनके साइज की बात करें,
तो ये क्या होते हैं, ये कंपैरेटिवली लार्जेस्ट होते हैं। लेकिन क्यों लार्जेस्ट होते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ, ये क्या होते हैं, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है ये लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट इन पीरियड, इनका जो पीरियड में इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है ये क्या होती है, लार्जेस्ट होती है, बिकॉज दे हैव ओनली वैन डर वाल रेडियाई, बिकॉज दे हैव ओनली वैन डर वाल रेडियाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दे हैव ओनली वैन डर वाल रेडियाई, जबकि अदर एलिमेंट्स को देखो तो उसमें कोवेलेंट नेचर पाया जाता है जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उनकी ये हाई होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। हाई क्यों होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कम्प्लीट है, और जिस भी स्पीसी का ऑक्टेट कम्प्लीट होता है मतलब उनका आउटर ऑर्बिटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों को निकालना रिमूव करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है आयनाइजेशन एनर्जी हाई है क्यों, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। फिर आता है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। आपने अभी कॉन्फ़िगरेशन में देखा था सबके आउटर शेल क्या है, फुल्ली फिल्ड कंप्लीट है, जब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर इंसर्ट नहीं करा सकते। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एटम, तो जब इनके पास खाली ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जीरो होती है बिकॉज ऑफ कंप्लीट सबशेल, कंप्लीट सबशेल होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम बताने जा रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो होता है वो वेरी लो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो होता है, क्योंकि इनमें जो वैन डर वाल फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैसे पीरियड में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत लो होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि इनका जो वैन डर वाल फोर्स है वो धीरे 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 क्या हो जाता है, वीक होता जाता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा उसका वैन डर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली ये सॉल्युबल होते हैं, ये स्लाइटली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, ठीक है। ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी अप टू डाउन आने पे धीरे धीरे इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, उसका एक रीजन है, उसका रीजन आइए हम समझ लेते हैं, मैं इसको रब करने जा रही हूँ। तो उसका जो मेन रीजन है इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है अप टू डाउन आने पे, तो उसका मेन रीजन होता है कि हमारा जो जैसा हमारा ये बड़ा एटम है, छोटा एटम है, ठीक है, और जो इस पे कोई
कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये क्या है, मोनो एटॉमिक है, ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये पोलर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आसानी से क्या करेंगे, इसको डिस्टॉर्टेड कर सकते, इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो शेप होता है, जैसे मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल का मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ये मान लो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, एक पे क्या मैंने रख दिया पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज कर दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, इस न्यूक्लियस से दूर है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका डिस्टॉर्टेड शेप बन जाएगा और धीरे धीरे हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अप टू डाउन जाने पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इनकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आर वेरी लो एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के सभी की जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, ठीक है। तभी ये जो अदर जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये जो नोबल गैसेस होते हैं ये चारकोल के द्वारा क्या होते हैं, लो टेम्परेचर पे ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बताया आपको नोबल गैसेस के बारे में। अब ये होता है कि नोबल गैसेस क्या प्रेजेंट है, तो यस नोबल गैसेस जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। पहले इसकी कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, धीरे धीरे इसकी डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और उन इन्वायरमेंट में जितने भी नोबल गैसेस प्रेजेंट है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है आर्गन का, ठीक है। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस की बात कर रही हूँ, तो अगर नोबल गैसेस का परसेंटेज देखा जाए तो आर्गन सबसे ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ओके। अब आता है कि क्या ये सभी के सभी एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया ये सभी के सभी मोनोएटॉमिक होते हैं, इनका आउटर सेल फुल्ली कंप्लीट होता है, तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन जब हम अप टू डाउन जाते हैं, धीरे 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 नीचे आते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है, जैसे सभी ग्रुप्स में होती है। तो अगर हम देखें हमारा क्या था, यहाँ पे हीलियम था, हीलियम के बाद हमारा क्या था, नियॉन था, नियॉन के बाद क्या था, आर्गन था, आर्गन के बाद क्या था, क्रिप्टॉन था, फिर इसके बाद क्या था, ज़ेनॉन था, फिर इसके बाद क्या था, रेडॉन था। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है, धीरे धीरे जब अप टू डाउन जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो ये भी नहीं बना सकता, 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 लेकिन ज़ेनॉन के कुछ कंपाउंड पाए गए। धीरे धीरे नीचे आने पर जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है तो यहाँ पे इस एलिमेंट तक आते आते कुछ हद तक हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कंपाउंड्स पाए गए, ज़ेनॉन के फ्लोराइड के कंपाउंड्स पाए गए, ज़ेनॉन के ऑक्साइड के कंपाउंड पाए गए, और ज़ेनॉन फ्लोराइड और ऑक्साइड दोनों के कंपाउंड, मिक्स कंपाउंड पाए गए। तो ये जो आपके इनर्ट गैसेस होते हैं या फिर नोबल गैसेस होते हैं, इनके ज़ेनॉन के ढेर सारे कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए हैं, जिनका स्टडी हम अपने आगे आने वाले लेक्चर